वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन थिप का सिक्स पार्ट और सेवन पार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन हमारा फिफ्थ है, हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्रूव करते हैं मैक्सिमम टाइम्स। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड भी शो कर सकते हैं, टेक लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को मैक्सिमम टाइम्स हम साइन और कोस में कन्वर्ट करते हैं। अगर 10 में हो तो साइन और कोस में चेंज कर लो। ऑलरेडी ये किस में कन्वर्ट है, साइन में कन्वर्ट है। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करें, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, तो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए है, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें। 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगी, 1 प्लस साइन ए की पावर 2। 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए की स्क्वेयर माइनस बी की स्क्वेयर। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए की स्क्वेयर का मतलब 1 की स्क्वेयर 1। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा आइडेंटिटी यूज करेंगे हम, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा 1 होता है, तो यहां से 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा क्या हुआ, कोस स्क्वेयर थीटा। तो दिस इज इक्वल टू, ध्यान दें, 1 प्लस साइन ए की होल स्क्वेयर। 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वेयर थीटा के। ये आइडेंटिटी यहां से देखो, 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वेयर थीटा, ये क्या आ गया, कोस स्क्वेयर ए। और दिस इज इक्वल टू 1 प्लस साइन बाई कॉस ए का होल स्क्वेयर। 1 प्लस साइन आपको पता भी है, ए की स्क्वेयर प्लस बी की स्क्वेयर को आप क्या लिख सकते हो, ए बाई बी का होल स्क्वेयर। ये भी स्क्वेयर में है, नीचे वाले भी स्क्वेयर में है, तो 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए का होल स्क्वेयर। अब स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कट जाएगा तो क्या बचा हमारे पास, 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए, ये हमारा कट गया पावर से 1 बाई 2 है, इसका मतलब स्क्वेयर रूट कट गया, कैंसिल हो गया, तो इसको अलग अलग लिखेंगे तो 1 बाई कॉस ए और प्लस साइन ए बाई कॉस ए। 1 बाई कॉस बाहर आना हमारा sec, sec ए साइन बाई कॉस टेन ए, दिस इज राइट हैंड साइड। नेक्स्ट सेवन पार्ट, प्रूव दैट साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाई 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा। ये आपका 2018 में लास्ट से लास्ट ईयर आपका पेपर में, बोर्ड पेपर में आया है, 4 मार्क्स में क्वेश्चन। लेफ्ट हैंड साइड जैसा कि मैंने आपको बताया है, जिस साइड में ज्यादा टर्म हो वो साइड लेते हैं। अब राइट हैंड साइड में तो एक ही टर्म है और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ज्यादा टर्म है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। देखें, लेफ्ट हैंड साइड हमारी ऑलरेडी साइन और थीटा में, साइन और कॉस में कन्वर्ट है। मैंने आपको बताया था मैक्सिमम टाइम्स हम लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, साइन और कोस में। ये ऑलरेडी कन्वर्ट है, ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है, साइन थीटा कॉमन आ रहा है, साइन थीटा कॉमन आया, यहां पे क्या बचा 1 माइनस, यहां पे पावर 3 है तो कितनी पावर बच गई, 2, 2 पावर बच गई हमारे पास, डिवाइड बाई यहां पे कॉमन क्या आ रहा है, कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस क्या बचा 1। अब ध्यान से देखें, साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। ठीक है, अब 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा ये बचा, ये दोनों कट जाने चाहिए, टेन तभी आएगा। अब इन दोनों को कन्वर्ट करने के लिए, ये है साइन थीटा ये है कोस में, तो आइडेंटिटी होती है हमारी साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1।
उसकी हेल्प से चेंज कर लो, या तो कोस को साइन में चेंज कर लो या साइन को कोस में, या कोस को साइन में। तो मैं नीचे वाला कोस है उसको साइन में चेंज कर रहा हूं, ये तो साइन बाई कोस 10 हो गया, ठीक है। टू कोस के थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस 1। क्यों, कौन सा यूज किया है, सिंस साइन कोस के थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मैक्सिमम टाइम यूज होता है इसका, आइडेंटिटी लगी है यहां पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस के थीटा 1 होता है, तो कोस के थीटा क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, समझ आया, ठीक है। दिस इज इक्वल टू टेन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 से मल्टीप्लाई, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो क्या है हमारे पास, टेन थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ रही, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, 1 माइनस क्या बचा, टेन थीटा, और कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड, हैंड प्रूव। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का 8th पार्ट, प्रूव दैट साइन ए प्लस कोसेक ए की होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए की होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। जैसे कि मैंने बोला लेफ्ट हैंड साइड में ज्यादा क्रम है, राइट में कम है, तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं, टेक लेफ्ट हैंड साइड, साइन ए प्लस कोसेक ए की होल स्क्वायर प्लस कॉस ए जैसे कि मैंने आपको बताया था लेफ्ट हैंड साइड को हम साइन और कोस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, बट इस क्वेश्चन में हम कोसेक को साइन में कन्वर्ट नहीं करेंगे, अदरवाइज लेफ्ट हैंड साइड को पूरी की पूरी तरह हम चेंज कर लेते हैं साइन और कोस में, मैक्सिमम क्वेश्चन में, बट इसमें अगर हम चेंज करेंगे थोड़ा क्वेश्चन टफ ही हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। तो इसको हम a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस बी की होल स्क्वायर, कुछ ही क्वेश्चन है जिसमें हम साइन और कोस में चेंज नहीं करते, अदरवाइज मैक्सिमम टाइम्स हम लेफ्ट हैंड साइड को साइन और कोस में चेंज करते हैं। देखें इधर, साइन ए प्लस बी की होल स्क्वायर ए की स्क्वायर प्लस बी की होल बी की स्क्वायर कोसेक ए की होल स्क्वायर करेंगे तो कोसेक स्क्वायर आ जाएगा प्लस टू ए बी। अब देखो साइन और कोसेक एक रेसिप्रोकल होते हैं, आपस में कैंसिल भी हो जाएंगे, ये भी फायदा ए प्लस बी की, कोस और सेक आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, तो कोस की स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस टू कोस ए इंटू सेक ए। अब ध्यान दें साइन स्क्वायर का इसके साथ कॉम्बिनेशन बनाओ कोस स्क्वायर के साथ, दिस इज साइन स्क्वायर प्लस, मैं एक लाइन खींच रहा हूं, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर वन बनाने के लिए, ठीक है। अब देखो कोसेक स्क्वायर का हमारा काम क्या है, टेन और कोट में आंसर आया हुआ है, राइट हैंड साइड को भी देखना पड़ता है, और एक आइडेंटिटी है हमारी कोसेक और कोट में, कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, तो वहां से कोसेक स्क्वायर आ जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर, समझ में आया, ठीक है। मैं लिख देता हूं यूजिंग कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और एक सेक स्क्वायर को भी चेंज कर लेंगे, sec square theta 1 plus tan square theta, ये तीन आइडेंटिटी है 1 वाली, हम इसका यूज कर रहे हैं, cosec square minus cot square 1 होता है, तो cosec square क्या आ गया 1 plus cot square, और sec square minus tan square theta 1 होता है, तो sec square क्या आ गया 1 plus tan square। ये देखो आपको रिवीजन से पता लगेगा कहां पे क्या चेंज कर रहे हैं, क्यों sec square को हमने 1 by cos square में क्यों नहीं चेंज किया, क्योंकि हमें जरूरत किसकी है, tan और cot की जरूरत है, ठीक है। हम इसका यूज कर रहे हैं साइन स्क्वायर के साथ कोस स्क्वायर है, एडजस्ट कर दो, और कोसेक स्क्वायर को हमने
दो लाइन लगा रहा हूं मैं यहां पे, तो सेक स्क्वायर को आप चेंज कर दें वन प्लस कॉट स्क्वायर में, प्लस टू साइन ए कोसेक, रेसिप्रोकल होता है साइन का, वन बाई साइन ए कट जाएंगे, साइन इंटू कोसेक जहां पे भी दिखाई दे वो वन बन जाता है, ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, और कोस स्क्वायर हम पहले ले चुके हैं, सेक स्क्वायर किसके बराबर होता है वन प्लस टेन स्क्वायर ए, और प्लस टू कॉस ए, सेक किसका वन बाई कॉस ए, कैंसिल हो गया ना, समझ आ गया। अब देखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वन होता है, आइडेंटिटी लगाइए यहां पे, वन प्लस वन कॉट स्क्वायर ए, ये कैंसिल हो गया, क्या हुआ टू, वन प्लस टेन स्क्वायर ए, प्लस यहां पे टू, वन टू फोर फाइव प्लस टू सेवन, सेवन प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, दिस इज राइट एंड साइड। देखो अगर आपको ये पता लग जाता है हमने यहां पे ये चेंज किया है, यहां पे ये चेंज किया है, उसी को आप बार बार आप तीन चार बार लिख के देखो, ठीक है, जितनी रिवीजन करेंगे आपको उतना ही बढ़िया आएगा क्वेश्चन, उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी, जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार आपकी फिनिशिंग आएगी, क्वेश्चन आपको रट जाएगा, हमने यहां पे ये चेंज करना है, ठीक है।